मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसी झरने में नहा लूँ। हम जिस पहाड़ के ऊपर गए थे वो ये इधर है, हम नीचे उस पर उतर आए और फिर झरने के पास ही आए। झरने से दूसरा रूट है जो ब्रिज के पास जाता है, तो ये झरना है। ठीक है, नहा लिया इस पवित्र जल में और अब चल रहा हूँ मैं रास्ते के थ्रू अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। पानी वाकई बहुत ठंडा था, प्योर प्योर माउंटेन वाटर। फिर से ये रास्ता है। अब मैं इस खूबसूरत वैली में आ गया हूँ। ये वाकई में कमाल का है, बहुत ही खूबसूरत वैली है। यहाँ एक छोटा सा घर बना हुआ है, अगर कभी फंस जाओ तो यहाँ आके सो जाओ। ये कितना खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ है साइड में और ये पूरी वैली है। मैं अब उस ब्रिज के पास पहुंचने वाला हूँ जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और ये मेरे पीछे का पूरा व्यू है, इधर पूरा पहाड़ है ऊंचा और वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उस साइड में, और ये पूरा पहाड़ है। मैं इस साइड से आ रहा हूँ, ये वो एरिया है, वहाँ अभी बहुत दूर है, काफ़ी देर से मैं चल रहा हूँ। और ये उस नदी का ही पूरा हिस्सा है, अभी मुझे उस ऊपर चढ़ाई पे जाना है। असल में यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है, ये जो ब्रिज है ये आधा बना हुआ है और आधा नहीं बना हुआ है, और जो पहाड़ियाँ जहाँ कटिंग हो रही है वो काफ़ी ऊंचाई पे है, तो वहाँ तक जाने का वह डायरेक्ट कोई रास्ता ही नहीं है। लोकल तरीका है जुगाड़ कि वो मिट्टी पे पैर रख रख के ऊपर जाने का। एक बंदा आया है मेरी सपोर्ट के लिए, ये मुझे बताएंगे कि किस तरीके से जाएं हम वहाँ ऊपर कटिंग पे। कटिंग बहुत ऊंचाई पे है, कम से कम 8 या 10 तले बिल्डिंग, इतना ज़्यादा ऊंचा है या उससे भी ज़्यादा ऊंचा है, बहुत हाइट है। वहाँ कटिंग हो रही है और सामने की तरफ एक छोटा सा ब्रिज है पर वो आधा ही बना है, काफ़ी मुश्किल। यहाँ नदी भी बह रही है, फ्लो उसका काफ़ी तेज़ है नदी का, और वो पत्थर कितनी स्पीड से गिर रहे हैं वो। मैंने अपना बैग इस बंदे को दे दिया है और काफ़ी ऊंचाई थी नीचे चढ़ने में, फिर हम लोग ये चढ़ रहे हैं। ये एक टेम्प्ररी बना हुआ है लोहे का, ये ब्रिज है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन चल, और वहाँ बहुत ही ऊंचाई पे काम चल रहा है। बैग ढोते धोते यहाँ कंधा दर्द करने लगा था। ये भाई साहब चल रहे हैं, ये नदी, यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है, इस साइड से नदी है। अब यहाँ पे ये ब्रिज ख़त्म हो जाता है, ये बंदा नीचे उतर रहा है, फिर वहाँ एक ब्रिज है, फिर नीचे उतरना है, और यहाँ ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और वहाँ देखो रेत कितनी तेज़ी से गिर रही है, बहुत तेज़ी से रेत गिर रही है वहाँ पे, शायद आपको ना दिख रहा, और रेत बहुत तेज़ी से गिर रही है, बहुत ज़्यादा हाइट है। मुझे यहाँ से फिर से इस लोहे वाले एंगल पे पकड़ के उतरना है, और इधर भी बहुत ज़्यादा हाइट है, काफ़ी रिस्की है। असली रिस्क तो अब आया है, ये देखो यहाँ से उतरने, मुझे नीचे उतरना है, बहुत ये नीचे ऊंचाई, और वो बंदा देखो धीरे धीरे उतर रहा है इस हिलती हुई सीढ़ी को पकड़ के, काफ़ी हाइट है ये। और देखो यहाँ पूरा मुझे ऐसे चढ़ के इस पूरे पहाड़ को चढ़ना है, फिर वहाँ पूरा ऊंचाई पे ऐसे घूम के वहाँ ऊपर जो कंस्ट्रक्शन की मशीनें हैं वहाँ जो हल्का सा हिल रहा है वहाँ मुझे जाना है, वाकई में ये तो बहुत रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की। पहुँच गए, आ गए। वो बंदा देखो वहाँ नीचे है, मुझे वहाँ जाना है। सच बताऊँ तो मेरी हालत ख़राब है,
मैं नीचे आ गया। यहाँ मैं पूरी ऊंचाई से उतरा हूँ और कोई सपोर्ट नहीं था, बहुत ही पूरी हिलती हुई सीढ़ियाँ, ये पूरी हिल रही हैं और यहाँ गिरने का मतलब था इंस्टेंट डेथ। ये देखो पत्थर, पूरे ये चारों तरफ पत्थर ही पत्थर हैं। अगर हाथ ज़रा सा फिसलता तो मैं नीचे होता, मुझे फिर से इन्हें चढ़ना है। ये पूरी मिट्टियाँ सरक रही हैं, ये मेरे पूरे पैरों से मिट्टी सरक रही है। वहाँ मैं नीचे से चढ़ा और मैं दो बार फिसला, फिर ये बंदा मुझे लेने आया और ये एक बार फिर फिसल गया, फिर मेरा कैमरा फिसला और फाइनली हम एक फर्ट के बाद चढ़ गए। मैं उस ब्रिज से नीचे आया हूँ और वहाँ फिर नीचे सीढ़ियों से उतर के फिर ऐसे पूरा यहाँ चढ़े हम। वहाँ हमने मशीनों का काम भी बंद करवा दिया था, वहाँ मशीनों ने काम बंद किया था थोड़ी देर तक। चलो चलते हैं, चलो। अब हम इन पहाड़ों पे बस चढ़ते ही जा रहे हैं। ये देखो आगे पूरा ऐसे फिसलने वाला पहाड़, बहुत तेज़ी से फिसल रहा है और हम लोग उधर साइड से आ रहे हैं, उधर काफ़ी नीचे से बहुत तगड़ा कंस्ट्रक्शन है। शायद हमने सबसे जो डेंजरस रूट था उसको पार कर लिया है, सबसे डेंजरस जोन वही था, अब यहाँ से आराम से चढ़ा जा सकता है। डेंजरस रूट है यार वाकई में, बहुत ही डेंजरस है, ज़रा ज़रा से नीचे चलने में हालत ख़राब हो जा रही है। यहाँ कोई रास्ता ही नहीं है, ज़रा सा फिसले तो गए। वो बंदा अपनी जेसीबी इस साइड कर रहा ताकि हम लोग उसकी बकेट में बैठ जाएं। यहाँ पूरे नीचे काफ़ी स्लाइड है, यहाँ भी वो बंदा जेसीबी ला रहा हम लोग के लिए। पीछे पीछे ऑलमोस्ट एक बहुत ही हैवी एफर्ट के बाद ये जेसीबी ने हमें वहाँ पे सपोर्ट लगाया और तब हम जाके उतर पाए। जेसीबी का सपोर्ट वाकई में बहुत काम करता, हम यहाँ पे अटक गए थे बिल्कुल एंड में क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा स्लाइड हो रही थी और वहाँ ज़रा सा गलत स्टेप बिल्कुल गिर जाते हैं हम ज़मीन के नीचे, और यहाँ से बिल्कुल एज है, यहाँ से ये हाइट है, बहुत ज़्यादा हाइट है यहाँ पर, एक छोटी सी गलती हम बिल्कुल नीचे होते हैं। यहाँ पे मशीनें बहुत ही हैवी कंस्ट्रक्शन कर रही हैं पूरा ऊपर तक, यहाँ पे भी ये मशीन काम कर रही है। ये एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए एक बहुत बड़ी ये बहुत बड़ा सपोर्ट था मेरे लिए। मेरा कैमरा बिल्कुल गंदा हो गया है और ऑलमोस्ट कैमरा चार पांच बार ज़मीन में घिसट गया था बिल्कुल, पर फाइनली मैं आ गया ऊपर। मशीनों का एफर्ट होगा, ये रास्ते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से कटिंग चल रही है, पूरा बहुत ज़्यादा चौड़ा किया गया है यहाँ पे और रोड अभी बनी नहीं है, ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने लग जाएंगे यहाँ पे ब्रिज को जोड़ने में, और इस साइड भी पूरा हैवी कटिंग हुई है।
और इस साइड भी पूरा हैवी कटिंग है। वहाँ वो नदी का हिस्सा है और उधर वो पूरा माउंटेन। वो गाड़ी पीछे की बेस कैंप पे चली गई और मुझे वो गाड़ी वहाँ से मिली थी जब मैंने वो पुल क्रॉस किया था, और वहाँ एक छोटा सा बेस कैंप था उन लोग का, कंस्ट्रक्शन कंपनी का। वहाँ से मुझे यहाँ तक इस गाड़ी ने छोड़ा, ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर होंगे। अब मैं फिर आगे जा रहा हूँ। ये रास्ता है, यहाँ पे फ़िलहाल तो कोई गाड़ी नहीं है, पर हो सकता है कंस्ट्रक्शन की कोई गाड़ी पीछे से आए तो मैं उसमें बैठ के चला जाऊँ, वरना यहाँ से 40 किलोमीटर पासीघाट। मैं लगभग 1 घंटे से चल रहा हूँ और मैं इस जगह पहुँच गया हूँ। अभी तक मुझे कोई एक भी आदमी नहीं दिखा है। पैरों मेरे पैर एक जगह से चप्पलों से कटने लगे हैं, वहाँ रेड रेड हो गया, स्किन वहाँ से हटने लगी है चलते चलते। और ये जगह है, जगह तो वाकई में काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया जगह है, पर मुझे अभी भी नहीं पता कि कितनी दूर गाँव है और मुझे अभी कितना आगे चलना है। मुझे एक गाड़ी मिल गई है, मैं फिर से निकल गया हूँ। और यहाँ से अभी पासीघाट बहुत दूर है, एक रिवर है।